बुला ले अपने पास मुझे ना आए। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे आप सभी, होप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गाइस आप ग्लिच इफेक्ट सारी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स पर ग्लिच इफेक्ट सारी वाली वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो गाइस, अगर आप भी उस टाइप की वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उस टाइप की गाइस अगर आप भी वीडियो एडिट करके अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपका भी वीडियो यहाँ पर वायरल हो सकता है। तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल इजी टिप्स के साथ आपको सिखा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गाइस अपने एलिट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने एलिट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर साइड गाइस आप लोगों को नीचे की साइड एक प्लस का आइकन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पर आपको 9:16 की रेशो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। एंड गाइस, सेलेक्ट करने के बाद नीचे की साइड यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे क्लिक करेंगे आप लोग के सामने यहाँ पर इसका इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब साइड में आप लोगों को फिर से प्लस पर क्लिक करना होगा, एंड आप लोगों को इमेज में चले जाना होगा। इमेज में जाने के बाद आप लोगों को एक इमेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये ब्लैक इमेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इजीली से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसे यहाँ पर इस ब्लैक इमेज को यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड गाइज, अगर आप इसकी लेयर को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी लेयर को यहाँ पर कम से कम 6 सेकंड, 6.5 सेकंड तक मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब हमें इसमें शायरी लिखनी है, तो शायरी लिखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा। एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो मैंने यहाँ पर शायरी लिखी हुई है, आप लोगों को अपनी शायरी लिख लेनी होगी। सो गाइज, मैंने अपनी शायरी यहाँ पर कॉपी की हुई है, तो मैं इसको यहाँ से एक बार पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी शायरी पेस्ट कर दी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप इसमें इमोजी वगैरह ऐड करना चाहें तो इमोजी वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हम इमोजी इसमें बाद में ऐड करेंगे। लेकिन अब करना क्या होगा, आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर कर लेना होगा। एंड करने के बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर ऊपर रोबोटर रेगुलर पर क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों को फ़ॉन्ट इसमें अच्छा लगे, आप लोग फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें, आप लोग यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइस आप लोगों को बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसमें कोई भी एक यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं इसमें ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ़ॉन्ट कितना ज़्यादा ओशम लग रहा है देखने में। तो गाइस, हमें करना क्या होगा, हमें इसमें एक व्हाइट कलर ऐड करना है। तो व्हाइट कलर ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें व्हाइट कलर ऐड करना होगा, एंड व्हाइट कलर ऐड करने के बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोग इसको थोड़ा सा इसको जूम कर लेना होगा। एंड जूम करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी लेयर को भी यहाँ पर एंड तक कर लेना होगा। एंड तक करने के बाद हमें इसमें अगर हम इसमें इमोजी वगैरह ऐड करना चाहें तो आप लोग यहाँ पर इमोजी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इमोजी ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, एंड आप लोगों को फिर से टेक्स्ट में चले जाना होगा। एंड यहाँ पर आप लोग जो भी यहाँ पर गाइज लगाना चाहें, इमोजी लगाना चाहें, वो आप लोग यहाँ से इमोजी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं गाइस, अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। एंड इस पर क्लिक करके आपको इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना होगा। एंड गाइस, ट्रांसपेरेंट करने के बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी लेयर को भी यहाँ पर एंड तक कर लेना होगा। एंड गाइस, इसकी लेयर को एंड तक करने के बाद अब आप लोगों को नीचे यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके हुए आप लोगों को इसको यहाँ पर जहाँ पर भी आप इमोजी ये लगाना चाहें, आप लोग इसको इमोजी को यहाँ पर से लगा सकते हैं। एंड गाइस, इमोजी लगाने के बाद अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो आप लोग वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करता हूँ, एंड इसको यहाँ से अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। तो गाइस, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को इसमें अगर कोई सॉन्ग वगैरह ऐड करना चाहें तो सॉन्ग वगैरह भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं एक वीडियो में से इसमें सॉन्ग निकाल लेता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उस वीडियो को यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर दी है, तो मुझे इस वीडियो में से एक सॉन्ग निकालना है। तो सॉन्ग निकालने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे,
लेकिन यहाँ पर गाइज आप लोगों को एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। तो आप लोगों को एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना होगा। तो जैसे गाइज आप लोग एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका साउंड निकल कर आ जाएगा, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इस वीडियो में सॉन्ग तो निकाल लिया है, लेकिन हम इस वीडियो को यहाँ से इस वीडियो पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर ऊपर इस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइज़ हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, अब आप लोगों को यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमारा गैलरी में से ये सेव वीडियो हो जाएगा। अब हमें इसमें सेकंड एप्लीकेशन को एक और ओपन करना होगा। तो इस एप्लीकेशन का नेम है इनशॉट। इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं सभी वहाँ पर फ्री मटेरियल दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इसका इंटरफेस यहाँ पर नेम निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को वीडियो पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही वीडियो पर क्लिक करेंगे अब आप लोगों को यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना होगा एंड जैसे ही आप प्लस पर या न्यू पर क्लिक करेंगे अब आप ये लोगों को यहाँ से अपनी वीडियो ऐड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ से जो वीडियो हमने अभी बिल्कुल एलर्ट मोशन से एक्सपोर्ट किया था तो मैं इस वीडियो को यहाँ से ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। तो गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब आप लोगों को अपनी वीडियो पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फिल्टर का। तो आप लोगों को फिल्टर पर जाना होगा एंड फिल्टर पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट्स में जाना होगा। तो जैसे कि आप इफेक्ट में जाएंगे अब यहाँ पर सेकंड जो है आप लोगों को सेकंड क्लिच का एक क्लिच नेम का आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप लोगों को क्लिच वाले पर क्लिक करना होगा। तो जैसे गाइज आप क्लिच इफेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको आ जाना होगा। तो आप लोगों को इसमें ये ऐड करना है जहाँ पर लिखा है JPEG। तो गाइज ये ही है वो जो हमारा इफेक्ट आता है ग्लिच वाला, यही है। गाइज अगर आप इसकी वैल्यू थोड़ा लो या हाई करना चाहते हैं वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर गाइज मैं आपको बोलूँगा तो इसकी आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको कम कर लेना होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से करना है। ठीक है गाइज, अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अब ये मैं गाइज आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ग्लिच इफेक्ट यहाँ से ऐड हो चुका है। अब आप लोगों को बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद आप लोगों को इसको एंड तक यहाँ पर कर लेना होगा। तो हमारा वीडियो तो हो चुका है रेडी, अब आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा। तो गाइज अब हमें एक हमारा लास्ट काम रह गया, हमें ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर गाइज आप लोगों को सेव वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड आप लोगों को सेव पर क्लिक करना होगा। तो जैसे गाइज आप सेव पर क्लिक करेंगे ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में मुझे आपको यही सीखना था। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिएगा चैनल पर।